यूपी के अयोध्या जिले से है, जहां तपस्वी छावनी के श्री महंत स्वामी परमहंसदास ने बड़ा बयान दिया। स्वामी परमहंसदास ने कहा कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी के हत्यारों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। योगी सरकार 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता व उनके परिवार को नौकरी देंगे। हत्या की आशंका को किया व्यक्त और सुरक्षा की मांग देवी देवताओं की भी हो, सुरक्षा अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी हो सकती है सख्त कार्यवाही। कैंडल जलाकर कमलेश तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चले कि 2017 में कमलेश तिवारी ने लोकसभा का चुनाव अयोध्या सीट से लड़ा था, जिसमें वह कामयाब नहीं हुए थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले हत्यारों को साधु संतों ने जल्द गिरफ्तार करने की मांग किया। राम मंदिर मामले को लेकर कमलेश तिवारी हमेशा आगे रहे, जिससे उनकी हत्या से पूरी यूपी में विरोध किया गया है। माननीय कमलेश तिवारी जी की जिस तरह से निशंस अमानवी और गला रेत के जो हत्या हुई है, इससे पूरा धर्माचार्य और सनातन धर्मानुयायी हिंदू वर्ग बहुत दुखी है। हम लोग जब आए दिन यही सुनने को मिलता है, कहीं मुर्शिदाबाद में एक छोटे बच्चे की हत्या हो गई, कहीं जो है कहीं नारी की हत्या हो गई, कहीं महिला की हत्या हो गई, रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन इतना ढीला क्यों है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कमलेश तिवारी के जो परिवार हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, उनके जो है परिवार में जो लोग उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, बकरुद्दीन है, दिन रात ये गाली देते हैं हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ इस तरह से कोई घटना जैसे बिजनौर में कब का वो लोग ऐलान किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी। हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस तरह की वारदात न हो। और साथ ही मैं अयोध्या तपस्वी आचार्य पीठ का जगत गुरु परमहंसाचार्य, हमारी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन जब मैंने हाजी महबूब के ऊपर हम FIR के लिए गए, प्रशासन दबाव बनाया और प्रशासन हमसे कहा मीडिया से आप दूरी हो जाइए, और जब हम 156 में गए हमारी जो है सुरक्षा हटा दी गई और मुझे जो है लखनऊ में पांच मुसलमान घेर लिए थे। मेरे भी शक है कि मेरी भी इसी तरह हत्या हो जाएगी और प्रशासन बहुत ढीला है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जहाँ योगी मोदी अमित शाह रात में सोते नहीं, दिन रात अपने देश की सेवा